बेटा पिछली क्लास में हमने आपको हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ाया था, याद है? आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे वर्टिकल मोशन। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ही दो पार्ट हैं। वर्टिकल मोशन में कुछ बात समझनी है। अब बोलोगे सर वर्टिकल मोशन में क्या बात समझनी है हमें, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा। वर्टिकल मोशन में दो कहानी होती है। वर्टिकल मोशन में या तो बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आती है, या वर्टिकल मोशन में बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। वर्टिकल का मतलब होता है अलोंग वाई डायरेक्शन, या तो ऊपर से नीचे बॉडी आएगी या नीचे से ऊपर जाएगी। वर्टिकल मोशन में एक बात याद रखना कि ये मोशन कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, ये मोशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये मोशन कभी यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता, ये मोशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये मोशन कभी यूनिफॉर्म नहीं होता, ये मोशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन हर हाल में होगा ही होगा। हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या था? एक्सेलरेशन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं है तो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। बट वर्टिकल मोशन में हमारे बस का कुछ है नहीं। वर्टिकल मोशन अंडर द ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी के इफेक्ट में होता है, हमारे इफेक्ट में नहीं होता। वर्टिकल मोशन बेटा ग्रेविटी के इफेक्ट में होता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। और जहाँ ग्रेविटी के इफेक्ट में होगा वहाँ तो तय है कि वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी। और आपको पता है कि अर्थ हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, ग्रेविटी नीचे खींचती है। जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा और उसे हम जी से इंडिकेट करते हैं, बिकॉज जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन बट ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब जो बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, यहाँ पे यू मानेंगे और यहाँ पे वी मानेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा नीचे वाली वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। ऊपर से नीचे आने में जो वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होगी। क्या एक्सेलरेशन है तो धीरे धीरे वेलोसिटी घटती जाएगी और बॉटम पे एकदम मैक्सिमम हो जाएगी। इसी तरह जब हम बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ पे बॉडी पे रिटार्डेशन काम करेगा। बोलोगे क्यों रिटार्डेशन काम करेगा बेटा? रिटार्डेशन काम इसलिए करेगा कि जब आप बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो करोगे तो सोचने वाली बात है अर्थ तो आपको नीचे खींचेगी, बस बॉडी ऊपर जा रही है तो वो जो अर्थ जो फोर्स लगाएगी उससे रिटार्डेशन होगा। यानी ए तो होगा लेकिन जी के बराबर, लेकिन आगे क्या होगा? माइनस जी। जी का यहाँ मतलब होता है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना। तो जब कोई भी बॉडी वर्टिकल मोशन करती है तो ऊपर से नीचे आती है तो एक्सेलरेशन देता है कौन? ग्रेविटी। और नीचे से ऊपर आने में वो रिटार्डेशन बन जाता है कौन? एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ऊपर से नीचे आने में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन हो या नीचे से ऊपर जाने में रिटार्डेशन हो, इसकी वैल्यू फिक्स है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी वी है, यहाँ पे याद रखना यहाँ पे जब नीचे से ऊपर जाएगा बेटा तो ये वेलोसिटी कम होती जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होने लगेगी, क्या होने लगेगी? डिक्रीज। और यहाँ से ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ वेलोसिटी होने लगेगी इंक्रीज। है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वर्टिकल मोशन कभी भी यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता, ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म। रीजन, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन काम करता ही करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हॉरिजॉन्टल मोशन तो हमारे कंट्रोल में है, हम उसको कंट्रोल करते हैं, एक्सेलरेशन देना या ना देना हमारे पास सिस्टम होता है। लेकिन वर्टिकल मोशन में हमारे पास नहीं होता, वो तो ग्रेविटी के कंट्रोल में है, नेचुरल कंट्रोल में है। तो ऊपर से नीचे आने में अर्थ तो अट्रैक्ट करेगी करेगी, फोर्स अर्थ लगाएगी ही लगाएगी, एक्सेलरेशन होगा ही होगा, वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, नॉन यूनिफॉर्म। और नीचे से ऊपर जाने में क्या होगा? अर्थ तो नीचे खींचेगी, बॉडी ऊपर जा रही है, अर्थ की ग्रेविटी रोकेगी, वेलोसिटी कम होगा, रिटार्डेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, जिस तरह हमने हॉरिजॉन्टल मोशन में आपको फॉर्मूला बताया था, इसी तरह वर्टिकल मोशन में भी तीन फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी। दूसरा फॉर्मूला है, मैं सबको समझाता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर
प्लस माइनस टू जी एच। तीसरा फॉर्मूला है बेटा एच इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और चौथा फॉर्मूला है मेरे बच्चे एच एन एथ इक्वल टू यू प्लस माइनस टू एन माइनस वन बाई टू टू जी। आपको याद होगा जिस तरह हॉरिजेंटल मोशन में चार फॉर्मूले होते हैं, वर्टिकल मोशन में भी चार फॉर्मूले होते हैं। ये फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे? जान लो कोई बॉडी में मैंने कहा कि एक बॉडी को इतनी इनिशियल वेलोसिटी दी गई, वो बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इतने टाइम के बाद अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ये भी निकालने का फॉर्मूला है, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम। प्लस कब लेंगे? उस न्यूमेरिकल में जहाँ बॉडी नीचे आएगी। माइनस साइन कब लेंगे? जिस न्यूमेरिकल में बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी। ये वाला भी फॉर्मूला क्या निकालने का है? वी, फाइनल स्पीड। ये कब यूज करते हैं? जब हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है और कुछ हाइट गिरने के बाद या ऊपर जाने के बाद वेलोसिटी क्या होगी हाइट के अकॉर्डिंग, तो ये वाला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं? मान लो कोई बॉडी बोला गया ऊपर से नीचे आ रही है, तो इतने टाइम के बाद वो कितना हाइट नीचे आ जाएगी? ये हाइट है, जैसे या एच का मतलब हाइट होता है। यहाँ अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ये हाइट राइज, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो हाइट फॉल। तो मान लो आपसे पूछा कि एक बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से नीचे से ऊपर फेंका, तो आफ्टर 10 सेकंड तक दो 10 कितना वो हाइट ऊपर चली जाएगी डाल देंगे। और एक याद है हॉरिजॉन्टल मोशन में होता था एनथ, ये भी हाइट है ये भी हाइट है। एच एन एथ का मतलब क्या होता है? ये हाइट निकाला जाता है लास्ट 1 सेकंड में। जैसे मैंने कहा एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो हाइट निकाल लो 3 सेकंड में, कितना वो नीचे आ जाएगी, तो ये वाला फॉर्मूला। और हाइट निकालो 3 सेकंड में, तो ये इसमें कौन सा फॉर्मूला? नीचे वाला। अगर थर्ड बोला तो इनके जगह पे क्या रख देंगे? 3, सॉल्व करके हाइट निकाल दो। तो दोनों तो हाइट का ही फॉर्मूला है, फर्क है ये टोटल टाइम में है, ये लास्ट के 1 सेकंड। मान लो मैंने कहा 10 सेकंड में वो बॉडी कितना नीचे आई या ऊपर आई, कोई भी है, तो ये वाला। और बोलूं मैं 10 नहीं बल्कि कितने सेकंड में? 10th सेकंड में बताओ, तब कौन सा? ये वाला। ये दोनों फॉर्मूला क्या निकालने का है? फाइनल वेलोसिटी। टाइम देकर पूछेगा इतने टाइम के बाद क्या हो गई, इतना हाइट के बाद क्या हो गई, और ये हाइट का फॉर्मूला कितना नीचे आ गई बॉडी या ऊपर आ गई टोटल टाइम में, और ये हाइट लास्ट के 1 सेकंड। प्लस वाला इक्वेशन कब लेंगे? जिस वहां पे बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी। माइनस जी वाला कब लेंगे? जिसमें बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी। इन्हीं चार फॉर्मूले का खेल है। हॉरिजॉन्टल मोशन में जी के जगह पे हमें ए दिखता था और एच के जगह पे वहां एस डिस्टेंस लेते थे। तो इन्हीं फॉर्मूले पे हम सारे सवाल को क्या करेंगे। अब जरा बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, जरा ध्यान से सुनिए। कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है, ध्यान से सुन, अगर मैं कहूं कि कोई भी बॉडी अगर ऊपर से नीचे है और मैंने कहा बॉडी को फ्री फॉल करा रहे हैं हम या बॉडी को ड्रॉप करा रहे हैं हम, या मैंने कहा मैंने बॉडी को फ्री फॉल कर दिया, या मैंने कह दिया बॉडी को ड्रॉप कर दिया, या मैंने कहा बॉडी को रिलीज कर दिया, कहां से? एक सर्टेन हाइट से। उस केस में हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेते हैं। इस केस में, जिस केस में बॉडी को हम ऊपर से नीचे बोला गया, एक हाइट से हमने रिलीज कर दिया या हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो सवाल में इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल मोशन में नहीं ली जाती। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर मैं कहीं पर बोलूं कि एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका गया है, मान लो कौन से पॉइंट से? ए से गया बी तक। याद रखना अगर ये मैक्सिमम हाइट तक जाता है, मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, याद रखना। अगर आप किसी भी बॉडी को ग्राउंड से फेंकते हो तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने के बाद फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना, जब हम किसी भी बॉडी को ग्राउंड से ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी घटती रहती है, क्योंकि रिटार्डेशन काम करता है, पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ पर एक बात याद रखना, जितना टाइम तुम्हें लगेगा ए से बी तक जाने में, याद रखना इसे कहते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग, उतना ही टाइम लगता है तुम्हें बी से ए तक जाने में, इसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंडिंग, टाइम बराबर लगता है जाने में और आने में। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना, जब किसी भी बॉडी को हम किसी हाइट से नीचे बोले ड्रॉप किया, बोलते रिलीज किया, तो याद रखना वहां यू जीरो लेना है, याद रखना।
और अगर किसी भी बॉडी को ग्राउंड से फेंकते हैं तो जितना जाने में टाइम लगता है मेरे बच्चे, उतना ही आने में लगता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट याद। और हाईएस्ट पॉइंट पे इस सवाल में वेलोसिटी। अब आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप चाहते हो ये जो मैंने पढ़ाया, ये क्या पढ़ाया, तो आप सामने से हट जाता हूँ, देखो जो मैंने पढ़ाया सब नोट्स है, चाहो तो आप स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हो, नोट्स सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक पेज ये मैंने पढ़ाया सब कुछ, और दूसरा पेज मैंने ये पढ़ाया जो मैं इतनी देर से पढ़ा रहा था, कंप्लीट नोट्स लिखा हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो आपके पास नोट्स बन जाए। करेक्ट, पिछला था ऊपर से नीचे वाला और ये था नीचे से ऊपर वाला, सारे क्वेश्चन माइनस में लिए। अब बेटा हम इस पर कुछ एग्जाम्पल करा, एग्जाम्पल ये है, इफ अ बॉडी थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड विद सर्टेन स्पीड टू, मान लो एक बॉडी को हमने ग्राउंड से फेंका कुछ स्पीड से u, ध्यान रखना, एंड इट अगेन रिटर्न द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड, और मान लो कि 4 सेकेंड के बाद ये वापस ग्राउंड पे आ गया आफ्टर 4 सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय बॉडी एंड वेलोसिटी u, दो चीज पूछा है कि बताइए वो बॉडी एक तो कितना हाइट तक जा पाई, हमने फेंका था तो कहां तक चली गई, तो ये बताना है बेटा। और एक बात बताना है कि आप ये बताइए कि वो बॉडी को किस वेलोसिटी से फेंका गया। सॉल्यूशन में आ जाते हैं, सबसे पहले मेरे को जवाब दो, ये हमने बॉडी को फेंका u, ये आपकी हाइट h, और अभी क्या पढ़ाया था मैंने, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है। मान लो आपने a से फेंका और ये बॉडी b तक गई, तो सबसे पहले मेरे को बताओ बेटा ये जो टाइम है 4 सेकेंड, साफ लिखा है जाने और आने का है, अगेन रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड, गया और आया इसमें लगा 4 सेकेंड, जाने और आने में। अगर मैं पूछूं कि टाइम मेरे को सिर्फ ए से बी जाने में कितना लगा, तो कि सर लगेगा 2 सेकेंड, ऐसा क्यों, अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या पढ़ाया, जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही आने में लगता है, तो जाने और आने में 4 सेकेंड बोला ना बेटा, तो सिर्फ जाने जाने में अगर देखा जाए तो 2 सेकेंड। अब क्या करेंगे, कंसीडर मोशन फ्रॉम ए टू, क्या करो आप मोशन कंसीडर करो, कहां से कहां, ए टू बी में, बस जाने जाने का देखो, तो जाना आना दोनों हो रहा है, बट हम एक टाइम में या तो जाने का देखेंगे माइनस जी वाला या प्लस जी वाला, हम जाने जाने का देख रहे हैं। चलो तो जाने जाने में थोड़ा दिमाग लगाओ, कितना टाइम लगा बेटा, 2 सेकेंड, जी क्या है मेरे बच्चे, 0, पॉइंट में पहुंचे बाद वी 0 हो जाता है, फॉर्मूला यूज कर दो ये वाला, वी इज इक्वल टू यू माइनस जी, फॉर्मूला पढ़ाया था ना मैंने, 4 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला है ना ये वाला, माइनस वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम जाने जाने का देख रहे हैं। चलो जाने जाने में आप जानते हो ना ए क्या हो जाता है आपका, माइनस जी, अब वी यहाँ पे क्या है, 0, यू नहीं पता, वी कितना होता है 9.8, और कितना टाइम लगा जाने जाने में, 2 हो गया, उधर ले जाओ तो यू की वैल्यू आ गई बेटा 19.6 मीटर पर, क्या कि जो फेंकने वाली वेलोसिटी थी वो 19.6 मीटर पर।
फिर एक और फॉर्मूला आप जानते हो, नाउ जी स्क्वायर इज इक्वल टू जानते हो बेटा टू स्क्वायर माइनस टू जी एच, बोलो यहाँ सर हम जानते हैं, यहाँ से वी क्या हो गया जीरो, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर तो साफ दिख रहा है 19.6 का होल स्क्वायर, इसको छोड़ो बाद में करते हैं, तो हम सीधे अभी वैल्यू रखते हैं टू स्क्वायर माइनस कितना टू जी एच। और बताओ यहाँ से क्या आ गया, टू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा टू जी एच, यहाँ से h निकाल दो, h कितना आ गया बेटा टू स्क्वायर बाई टू जी, यू कितना आ चुका है दो मिनट पहले 19.6 का होल स्क्वायर अपॉन टू इंटू जी, जी का मतलब 9.8, टू इंटू 9.8 भी कितना हो गया 19.6 और स्क्वायर स्क्वायर कट गया, यहाँ से h की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा, वैल्यू आ गई 19.6 का मतलब ये हो गया कि हमने फेंका था और ये हाइट वैल्यू एक ही आ रही है वो अलग बात है, मेथड ही पहले जाने जाने का टाइम दिख लिया आधा कर लिया, उसके बाद यू भी निकाल दिया और जितने हाइट तक बॉडी गई वो भी निकाल। अब जैसे एक एग्जांपल है, इफ अ बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम हाइट 100 मीटर एंड एट सेम टाइम एंड एट सेम टाइम अनदर बॉडी thrown from ground with (25 meters per second) मतलब एक बॉडी को ड्रॉप किया उसी टाइम दूसरे बॉडी को नीचे से ऊपर फेंक दिया। फाइंड टाइम एंड पोजिशन, फाइंड टाइम एंड पोजिशन व्हेन बोथ बॉडीज विल मीट, क्या बोल रहा है जरा ध्यान से सुनो, एक बॉडी है ये आपकी हाइट है 100 मीटर इज द हाइट, क्या बोल रहा है ये मान लो पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है और एक बॉडी को हमने यहां से क्या किया मैंने देखो रिलीज किया, रिलीज कितने हाइट से 100 मीटर कहां से ग्राउंड से, रिलीज का मतलब जानते हो ना यू क्या हो गया जीरो, तो रिलीज करते हैं उसका यू क्या लेते हैं जीरो हो गया, और उसी टाइम सेम टाइम एक दूसरे बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका, कितने स्पीड से फेंका 25 meters per second, आप समझो सवाल, एक बॉडी को रिलीज किया मैंने क्या कहा था जब रिलीज करें ड्रॉप बोले तो यू जीरो लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, तो एक बॉडी को तो रिलीज कर दिया और सेम टाइम हम दूसरी हमने दूसरी बॉडी को ऊपर फेंक दिया, तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों बॉडी कभी ना कभी मिलेंगी जरूर और कहीं ना कहीं पे मिलेंगी जरूर, आपको बताना है कि मान लो ये दोनों बॉडी सी पॉइंट पे मिल रही हैं तो सी पॉइंट है कहाँ पर, सी पॉइंट आखिर है कहाँ पर ये बताना है, ठीक है, और फिर ये बताना है कि वो बॉडी कब मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी, मैं क्या लिखूंगा लेट बोथ बॉडीज मीट एट पॉइंट सी एट हाइट एच डैश फ्रॉम ग्राउंड, मान लो ये दोनों बॉडी सी पॉइंट पे मिलती हैं और ग्राउंड से कितनी हाइट पे हैं वो एच डैश, अब समझने की कोशिश करो ये एच डैश ये है कौन
का मतलब ये हो गया बेटा BC तुम्हारा क्या है H, ये हाइट को हमने H डैश मान लिया, C पे मिल रहे हैं और मान लो ये हाइट तुम्हारी है H डैश। तो जो अगर ये हाइट H डैश हो गया और तुम्हारा ये जो पूरा हाइट है यहां से यहां तक का A से C नहीं, A से B तक की पूरी हाइट कितनी है बेटा 100 मीटर, तुम्हारा ए सी कितना हो जाएगा, फिर ये कितना बच जाएगा बताना माइनस एच, करेक्ट। हमने क्या मान लिया कि वो दोनों कहां मिल रहे हैं, एक इधर से आ रहा है एक इधर से जा रहा है, हमने ये माना कि ये दोनों कुछ टाइम के बाद मिले, ओके मीट हुआ फ्रॉम ग्राउंड, है ना। कब मिले बेटा, कुछ मानना पड़ेगा ना, कुछ तो टाइम मान लो, पॉइंट लिखना बढ़ाना पड़ेगा इसमें, तो बढ़ा देते हैं एक पॉइंट। हाँ फ्रॉम क्या लिखा मैंने, ग्राउंड फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर, ये पॉइंट जोड़ना था मेरे को, आफ्टर टाइम टी, मतलब ये मान लिया हमने कि दोनों बॉडीज, कौन सी बॉडीज, एक ऊपर से आने वाली और एक नीचे से जाने वाली, टी पे मिलते हैं और कितने टाइम के बाद मिलते हैं, टी टाइम के बाद। आप ध्यान से सुन, यहां पर ए बी क्या है तुम्हारा 100 मीटर, यहां पे किसी क्या है एच डैश, मैंने बोला है ना यहां पे मिल रहे हैं ये और ये, ग्राउंड से हाइट कितना माना है मैंने एच डैश, ये कितना बच जाएगा फिर ए सी माइनस हो गया। अब बताओ नाउ कंसीडर, ज्यादा जगह ले, नाउ कंसीडर द फ्री फॉलिंग बॉडी, आफ्टर टाइम टी, अब क्या कंसीडर करो फ्री फॉलिंग बॉडी का मोशन, फॉलिंग का मतलब समझते हो, जो बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी कितने टाइम तक, टी, क्योंकि यहाँ टी का मतलब यहाँ से यहाँ तक आना है, मैंने क्या माना कि ये यहाँ पहुँचा और ये यहाँ पहुँचा, दोनों सी पे मिल गए कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। तो इसका जब जर्नी देखेंगे, इसका मोशन देख रहे हैं फ्री फॉलिंग बॉडी का, इसका कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, तो क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है बेटा, कितना हाइट फॉल है, ये कितना नीचे गिर रहा है बताओ 100 माइनस एच का हाइट फॉल कितना है माइनस एच, इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, और इसके लिए यू क्या है जीरो, ये क्या है का क्या इक्वेशन बन जाएगा बोलो बेटा 100 माइनस एच क्या फॉर्मूला बनेगा, यू टी प्लस हाफ जी, यू तो यहाँ जीरो लेंगे तो क्या बन गया इक्वेशन 100 माइनस एच जिसको यू जीरो है तो क्या बन गया हाफ जी, हमने किसका किसका मूवमेंट देखा, जो बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही थी कितने टाइम के बाद देखा, टी टाइम के बाद, क्योंकि टी टाइम के बाद वो कितना नीचे गिर गई है, अगर ये पूरा 100 है, अगर यहाँ से यहाँ तक 100 है, अगर पूरी हाइट कितनी है होती, मैंने वहां लिखी दिया पूरी हाइट कितनी है बेटा, पूरी हाइट जो मैंने वहां ली है, पूरी हाइट कितनी है यहां से यहां तक की हाइट कितनी है 100, और ये हाइट कितना माना मैंने ग्राउंड से जहां कहां पे मिल रहा है, सी पे मिल रहा है, मीटिंग पॉइंट सी है, इसको हमने एच मान लिया, तो ये कितना बचेगा 100 माइनस एच, जब हम इसकी जर्नी देखेंगे तो ये कितना गिरा 100 माइनस एच, टाइम के बाद देख रहे हैं टी टाइम के बाद जब तक वो मिल रहे थे। नाउ आप क्या करो कंसीडर मोशन ऑफ प्रोन बॉडी, अब जिसको हमने फेंका है ऊपर उसका मोशन देखो, इसका इसका कितने टाइम के बाद देखो बेटा आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद, क्योंकि ये इधर पहुंच रहा है टी टाइम के बाद और ये इधर पहुंच रहा है, कितने टाइम के बाद दोनों मिल रहे हैं, साफ लिखा है टी टाइम के बाद, तो टी टाइम के बाद फॉलिंग वाला ए से सी पहुंचा और थ्रोन वाला बी से सी पहुंचा,
ये कितना गिरा 100 माइनस एच, इसको मान लिया है मैंने एच, ये कितना बचेगा 100 माइनस एच, जो फॉल कर रहा है वो टी टाइम तक, टाइम तक 100 माइनस एच गिरा, और जो राइज हो रहा है वो टी टाइम तक एच गया, तभी एच माना तभी तो ये 100 माइनस एच हुआ। अब क्या करेंगे, सोचने वाली बात है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम यहाँ इसके लिए देखते हैं, चलो बताओ यहाँ पे ए क्या हो जाएगा माइनस जी, यहाँ यू क्या हो जाएगा बेटा 25 मीटर पर सेकेंड, हमें जो इसको फेंका है तो फेंका है 25 मीटर। अब सॉल्व करते हैं इसका इक्वेशन। सबसे पहले इसमें कितना हाइट गिरा है टी टाइम तक, कितना हाइट ऊपर की तरफ गया है एच, क्या है ना ये, और ये कितना नीचे गिर गया था 100 माइनस एच, क्यों, क्योंकि पूरी हाइट कितनी थी 100 थी। अब क्या करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, एच इज इक्वल टू टू टी माइनस हाफ जी, वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, कितनी वैल्यू आ गई 25 टी माइनस हाफ जी, इक्वेशन बना दिए मैंने। किसके लिए बनाया, एक किसके लिए बनाया, जो बॉडी ऊपर से नीचे गिरी, क्या किसके लिए, जो बॉडी नीचे से ऊपर गई है, कहाँ पे हमने मिलाया दोनों को, सी पे, सी पे हाइट ए से बी क्या माना है मैंने 100 मीटर, ए से बी हाइट क्या माना है 100 मीटर, यहाँ से यहाँ दे रखा है, और जहाँ पे मिल रहा है सी उसकी हाइट जमीन से कितनी ली है मैंने, कितनी ली है बेटा एच डैश में लिख रहा हूँ, कितने लिया मैंने बताइए, हाइट को क्या मान लिया बेटा एच। अब बताओ ये पूरा है 100, ये हाइट है एच, ये कितना बचेगा 100 माइनस एच, ऑब्वियसली सारी हाइट हमने लिख दी। अब हमने दोनों का मोशन देखा, जो फ्री फॉल था उसका देखा, तो इक्वेशन नंबर वन बनाया। फ्री फॉल कहाँ तक देखा, सी तक, जहाँ तक वो मिल रहे हैं, कितने टाइम देख देखा टी टाइम तक, कितना वो हाइट नीचे गिरा 100 माइनस एच, टू इसका है जीरो हाफ जी टी, उतना ही टाइम में ये कितना ऊपर चला गया एच, एच माना है ना, बी सी सी को मैंने क्या माना है एच, में ए क्या होगा माइनस जी, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ का यू होगा 25 मीटर पर सेकेंड को लेके चले, तो दूसरा इक्वेशन बना दिया। तो एक इक्वेशन तुम्हारा क्या था ये, और दूसरा इक्वेशन क्या था, एंड ऑलरेडी हैव हमारे पास क्या इक्वेशन एक और है, याद है 100 माइनस एच इज इक्वल टू हाफ जी। अब क्या करें, सॉल्व करें, दोनों को पहले ऐड कर दो, ऐड बोथ इक्वेशन, ऐड करने से क्या आ जाएगा बेटा, एच और एच हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा इधर 100, उधर ऐड करने से क्या होगा हाफ जी टी स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच जाएगा 25 इंटू टी, टी यहां से निकल गया, टी वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चे, टी की वैल्यू आ गई 4 सेकेंड, यानी कि आफ्टर व्हाट टाइम दे विल मीट, कब मिलेंगे दोनों, कब मिल जाएंगे दोनों, सी तक कब पहुंच जाएंगे, ये 4 सेकंड के बाद यहां पहुंच जाएगा और ये 4 सेकंड के बाद यहां पहुंच, फिर क्या निकालना था उसके बाद, कहां मिलेंगे, कहां का मतलब समझ रहे हो, ये जो हमने हाइट मानी है ना सी की, ये हाइट बी से सी क्या माना है मैंने एच, वो हमें एच भी बताना है, ये एच की वैल्यू बतानी है कि बताइए कितनी ऊंचाई पे मिलेंगे, तो एच निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एच भी आप आराम से निकाल सकते हो। टी आ गया, नाउ पुट टी इन, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, योर चॉइस, फर्स्ट में रख देते हैं चलो, सेकंड में रख देते हैं, मर्जी है आपकी बेटा, कहीं मन करे, कहीं मन करे वहां रख दो, फर्स्ट में जो अच्छा लगेगा मैं सेकंड में रख देता हूँ, तो रखो क्या आ गया एच इज इक्वल टू 25, टी कितना आ गया है 4 माइनस हाफ, जी कितना होता है 9.8, टू कितना 4 का स्क्वायर, ये कितना आ गया एच इज इक्वल टू 25 4 जा 100, ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 8 से 9.8 इंटू 8 मुझे लगता है आ जाएगा 76.4, सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 21.6, तो देख सकते हो, सो जो हाइट में जाके वो मिलेंगे उसकी वैल्यू हो गई 21.6 मीटर। काफ़ी अच्छा सवाल था, कितनी ऊंचाई पे जाके दोनों मिले बेटा, कितनी ऊंचाई पे जाकर मिले, ये जब और ये, यहाँ से गया ये और यहाँ से आया ये, सी कौन सा पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे वो मिल रहे हैं, तो सी की लोकेशन क्या हो गई, जमीन से कितना ऊंचाई पे आ गया सी, तो हमने एच माना था बी से सी, क्या आ गई बी से सी की वैल्यू 21.6 मीटर।
दैट वॉज वेरी गुड क्वेश्चन. अब एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये आता है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ अ प्री फॉलिंग बॉडी विल बी ऑड नंबर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ये बड़ा अच्छा सवाल है, ऑड नंबर एटॉमिक. क्वेश्चन में क्या है जरा ध्यान से देखो, बोल रहा है कि मान लो एक बॉडी है जो फ्री फॉल है. फ्री फॉल का मतलब यू इज इक्वल क्या हो गया, जीरो. मान लो एक बॉडी है वो फ्री फॉल है, मैंने बताया ना फ्री फॉल का मतलब यू क्या होता है, जीरो. अब बोल रहा है कि मान लो एक बॉडी फ्री फॉल मोशन में है, तो ये प्रूव करना है कि अगर वो किसी भी इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल का मतलब होता है लास्ट का एक सेकंड, कभी भी देख लो लास्ट का एक सेकंड इक्वल इंटरवल होता है, तो लास्ट के एक सेकंड में कहीं पर भी देखा जाए, कंसिडरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ एनी लास्ट वन सेकंड. इंटरवल तो है कहीं पर भी, लास्ट वन सेकंड देखोगे तो एक ही सेकंड का इंटरवल है कहीं पर भी, ठीक है. तो देखते हैं किस इक्वल इंटरवल में वो कितना हाइट फॉल करता है. चलो लास्ट वन सेकंड के लिए व्हाट वी नो, क्या जानते हैं बताओ. लास्ट वन सेकंड का मतलब क्या होता है, किसका, टोटल हाइट नहीं, टोटल टाइम में नहीं, लास्ट के सेकंड का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था एच एन एथ, याद है आपको क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, यू प्लस, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से नीचे है ना बेटा, तो यहाँ पे ए क्या होगा, प्लस जी मिलेंगे. क्या फॉर्मूला था, यू प्लस टू एन माइनस वन बाई टू इंटू जी. ये फॉर्मूला होता है किसका, जब कोई बॉडी गिरती है लास्ट के एक सेकंड निकालने का, लास्ट के एक सेकंड का टोटल टाइम का नहीं, लास्ट के एक सेकंड. और यहाँ चूंकि फ्री फॉल है तो फ्री फॉल में यू हमेशा क्या रखते हैं, जीरो. तो क्या बन गया ये इक्वेशन बताना जरा, क्या बन गया इक्वेशन, यू जीरो करोगे तो क्या बन गया, टू एन माइनस वन बाई टू इंटू जी. क्या अब बताओ, सबसे पहले ये मान लो कि जो एच वन हाइट है, तो ये मान लो बेटा ये जो है ये हाइट फॉल है इन फर्स्ट सेकंड. फर्स्ट सेकंड का मतलब समझ रहे हो, इक्वल टू क्या रख देंगे, वन. फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या हुआ, जीरो से फर्स्ट सेकंड. एच टू को मान लो ये है हाइट फॉल इन सेकंड सेकंड, टू सेकंड नहीं बोल रहा हूं, सेकंड सेकंड का मतलब ये भी तो एक ही सेकंड हुआ, सेकंड सेकंड का मतलब क्या हुआ, वन टू टू सेकंड, एक एक सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं. तो यहां पे एन क्या रखेंगे फॉर्मूले में, जब रखेंगे तो टू. एन इज इक्वल टू वन का मतलब क्या हो रहा है, जीरो टू वन सेकंड की बात हो रही है. सेकंड सेकंड का ये फर्स्ट सेकंड का था, ये सेकंड सेकंड का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ बात हो रही है किसकी, वन टू सेकंड की बात हो रही है. तो ध्यान से देखो ना आप, है तो एक ही सेकंड का इंटरवल, है तो एक ही सेकंड का इंटरवल. इक्वल इंटरवल कितना ले रहे हैं, एक एक सेकंड का ले रहे हैं. एच थ्री ये मान लो क्या, एच थ्री क्या है बेटा, हाइट फॉल इन थर्ड सेकंड. तो क्या मान लिया मैंने, हाइट फॉल इन थर्ड सेकंड, थ्री सेकंड नहीं माना है, क्या माना है, थर्ड सेकंड. तो थर्ड सेकंड भी तो एक ही सेकंड का इंटरवल हुआ, थर्ड का मतलब एन कितना रखेंगे आप, थ्री. क्या मतलब थर्ड का मतलब ये कौन से सेकंड का इंटरवल हो गया, टू टू थ्री सेकंड. तो गौर से देखो ना, है तो सब एक ही सेकंड का इंटरवल, इक्वल इंटरवल बोला, तो इक्वल इंटरवल हमने एक एक सेकंड का रखा है. अब बताओ नाउ, अब एच वन क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला बना ही दिया है U0 करके, ये बना है ना, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो H1 के लिए क्या होगा बताओ, 2 इंटू फर्स्ट सेकंड का मतलब N1 रखो, 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू जी, कितना आ गया बेटा, G बाई 2.
टू क्या हो जाएगा, एस टू का मतलब क्या है, सेकंड सेकंड, दूसरे सेकंड में एन क्या रखेंगे, टू, कितना आ जाएगा, रखो टू इंटू टू माइनस वन बाई टू इंटू जी, ये कितना आ गया सॉल्व करके मेरे बच्चे, थ्री बाई टू जी। फिर एस सी निकालते हैं इसी तरह से, थर्ड थर्ड सेकंड में निकाल दो, थर्ड सेकंड के लिए एन क्या रखोगे, थ्री, फॉर्मूला तो यही होता है, लास्ट के एक सेकंड के लिए यू भी होता है, बट यू जीरो क्यों, क्योंकि ये फ्री फॉल। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, एस थ्री कितना हो जाएगा, एन के यहाँ पे क्या रखोगे, थ्री, टू इंटू थ्री माइनस वन बाई टू इंटू जी, यहाँ पे थ्री रख दिया मैंने, क्या आ गया बच्चे, फाइव बाई टू जी। अब हमें क्या बताना है, ये जो हमने हाइट निकाला फॉलिंग हाइट, वो क्या फिक्स टाइम में था, कितना टाइम था, एक एक सेकंड का था। अब इनका रेशियो दिखाना, तो रेशियो दिखाओ, निकालो, जब रेशियो निकालोगे तो मुझे जहां तक लगता है कि आप जब रेशियो निकालोगे तो g बाई टू, थ्री जी बाई टू, फाइव जी बाई टू, जी बाई टू सब में कटता जाएगा, क्या आ जाएगा, वन इज टू, थ्री इज टू, फाइव इज टू, सो। अब आप साफ दिख रहा है कि जो हाइट फॉल का रेशियो आया इक्वल टाइम इंटरवल में, ऑड नंबर में आया, इवन नंबर में आया, ऑड नंबर में, हमें यही शो करना था कि वो जो रेशियो होगा हाइट फॉल का वो ऑड में आया। तो जैसे कॉम्पिटिशन में एक सवाल आया, सुनो, इफ हाइट फॉल ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी फाइंड हाइट फॉल, अच्छा सवाल है, क्या फाइंड हाइट फॉल ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इन फिफ्थ सेकेंड इफ हाइट फॉल इन थर्ड सेकेंड इज टू मीटर। बड़ा अच्छा सवाल है, नीट और जेईई में से सवाल आते हैं। अगर एक बॉडी जो हाइट गिर रही है, फ्री फॉल है, तो फिफ्थ सेकेंड में, फिफ्थ का मतलब फोर टू फाइव सेकेंड में, वो कितना हाइट फॉल कर जाएगी, अगर वो हाइट थर्ड सेकंड में कितना मीटर गिर रही है, टू मीटर, तो आपको जो ये कॉन्सेप्ट पता होगा वही कर पाएगा। फिर मैंने रेशियो क्या बताया, कौन कौन सेकंड में पूछा है, बात कर रहा है थर्ड और फिफ्थ का, तो थर्ड में क्या आ रहा है, फाइव, आप देखो वहां से एच थ्री अपॉन एच फाइव, तो सोचो थर्ड में फाइव है, फोर्थ में सेवन आएगा और फिफ्थ में नाइन आएगा, तो लिख सकते हैं एच थ्री बाई एच फाइव इज इक्वल टू फाइव बाई नाइन रेशियो, ऑड का ही मतलब होना मैडम, लास्ट के एक सेकंड में जो इक्वल इंटरवल में होता है सब ऑड में आता है, थर्ड में अगर फाइव नंबर आया इधर तो फोर में सेवन आएगा और फिफ्थ सेकंड में नाइन आएगा, चलो हो गया, तो हम ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, कभी कभी ना इसको हो जाता है, इसको सही लिखना चाहिए, एच क्या है थर्ड, पीछे क्या है एच क्या है फिफ्थ। अब आगे बढ़ो, अब यहां से बताओ जल्दी बेटा, हमें निकालना हाइट फॉल इन फिफ्थ सेकंड, हाइट फॉल इन फिफ्थ सेकंड कितना हो जाएगा, कितना इधर आ जाएगा बेटा, नाइन बाई फाइव इंटू हाइट फॉल इन थर्ड सेकंड, नाइन बाई फाइव और थर्ड सेकंड में वो कितना हाइट गिर रहा है, साफ लिखा है कितना मीटर, टू मीटर, हो गया, आ गया आंसर। बोलोगे सर ये जो हाइट फॉल करेगा फिफ्थ सेकंड में, और नाइन टू जा एटीन बाई फाइव, थ्री पॉइंट सिक्स, ये सवाल वही कर पाएगा जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है। तो कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग इक्वल इंटरवल, यानी इक्वल इक्वल इंटरवल हम ले रहे हैं यहाँ पे लास्ट के एक सेकंड में, कभी भी गिरेगी ना तो उसका जो गिरने का जो हाइट का हर एक एक सेकंड पे, हर लास्ट एक सेकंड पे जो हाइट फॉल का रेशियो होगा वो ऑड नंबर में आता है, मैंने प्रूफ भी कर दिया और इस पर एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी कर, थर्ड सेकंड का दे दिया, एक लास्ट वन सेकंड का दिया, फिर कभी और लास्ट वन सेकंड का दे दिया, तो आपको बताना चाहिए थर्ड में क्या आ रहा है, फाइव, फोर्थ सेकंड में हाइट लोगे तो क्या आएगा, सेवन, फिफ्थ सेकंड में नाइन, सिक्स सेकंड में अलेवन, सेवन सेकंड में थर्टीन, एट सेकंड में फिफ्टीन, नंबर बढ़ता जाएगा। तो बच्चे ये जो हमने आज क्वेश्चन डिस्कस किया, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आया होगा बेटा, ये सारे क्वेश्चंस हमने कराए, ये सारे क्वेश्चंस किससे आप अच्छे से पता कर रहे हो, ये क्वेश्चन हुआ या इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए, ये सारे क्वेश्चन किसके थे बेटा, वर्टिकल मोशन के थे। आपको मुझे उम्मीद है
आपको आज की क्लास में ये वाला सवाल वर्टिकल मोशन वाला सब समझ में आ गया होगा बेटा। हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।